एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज प्राची सिन्हा और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सी जगह पे लेके जा रही हूँ जो कि मेरे लिए भी पहली बार है. मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और वो मैंने गूगल पे सर्च किया, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि आप सबको देख के भी उस जगह से प्यार हो जाएगा और आप सब कहेंगे कि हमें भी वहाँ जाना है. तो आई होप आप लोगों की मेरी आवाज़ अच्छे से आई हो. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और हम सब यहाँ पर जा रहे हैं गाड़ी में. तो वहाँ जाने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो प्लेस कैसी है. तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे. तो हम सेट इन द सिटी में आए हैं प्री वेडिंग शूट के लिए, मेरे भैया और मेरे भाभी का. और हमें 1.5 घंटे लगे कार से यहाँ तक आने में. बाकी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ शूट करना अलाउड नहीं है प्री वेडिंग के अलावा, तो व्लॉग तो मैं चोरी छुपे थोड़ा थोड़ा शूट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सब कुछ दिखा सकूँ अच्छे से. तब तक यहाँ भैया और भाभी रेडी हो रहे हैं. ये हमारा रूम है, यहाँ भैया रेडी हो रहे हैं और यहाँ भाभी का मेकअप हो रहा है. Thank you.
गोल भी घुमाएंगे, गोल भी घुमाएंगे। चले भाभी वेरी गुड। पता है कि ये व्लॉग इतना अच्छा नहीं बना है, मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। एक्चुअली मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं व्लॉग डालूंगी, क्योंकि मेरे साइड से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, पर मेरी बहन ने थोड़ा बहुत शूट किया था। आपने जो भी जितना भी देखा है वो सारा सब कुछ मेरी बहन का शूट किया हुआ है। तो बस सब कुछ जब एक जगह लाकर मैंने एडिट करते वक्त देखा तो सबका एक चल यार कुछ तो है डाल दे, तो ठीक है काफ़ी कुछ हमें मिला था, पर हाँ वो काफ़ी कुछ फिर भी काफ़ी कुछ नहीं है, क्योंकि वो जितना बड़ा स्पेस था, जितना बड़ा जितनी बड़ी जगह थी, वो वहाँ पे आप समझ लो अराउंड थर्टी सेट्स थे कुछ, जो हमको कहा गया था। पर मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा होंगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि एक ही सेट को आप अलग अलग तरीके से वहाँ दिखा सकते थे। और कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी, जो मैं वीडियो में नहीं दे पाई, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, क्योंकि जगह इतनी अच्छी है, मुझे पता है आप सब ज़रूर जाना चाहेंगे। तो पहली बात तो वो भिवंडी के साइड कहीं पड़ता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं सेट्स इन द सिटी, आपको लोकेशन बहुत ईजिली मिल जाएगा और वहाँ का नंबर भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी उनका पेज है सेट्स इन द सिटी। जाने के लिए हमें पहले से बुकिंग करनी होती है, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं वो लोग, और हर चीज़ का अलग अलग रेट है। आपसे पहले पूछा जाएगा कि आपको क्या शूट करना है, तो अगर आपको प्री वेडिंग शूट करना है तो उसके रेट्स अलग है, अगर आपको व्लॉग्स के लिए शूट करना है तो उसके रेट्स अलग है, अगर आपको फ़ोटो शूट करवाना है तो उसके लिए रेट अलग है, अगर आपको
और क्योंकि टाइम कम था इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ भी शूट नहीं कर पाई ज़्यादा अच्छे से। आप लोग समझ ही गए होंगे कि प्री वेडिंग के लिए गए थे, तो और जाहिर सी बात है कि जिस काम के लिए गए हैं हम पहले वो पूरा करें फिर कुछ और करें। हमने हमारे प्री वेडिंग के लिए 3 घंटा बुक किया था, पर आवर हमको 3000 लगा था, टोटल हमारा 9000 बना था 3 घंटे का, और हमारे साथ सिर्फ 6 लोगों को एंट्री थी, जिस और हमें प्री वेडिंग के अलावा कुछ भी शूट करना अलाउड नहीं था, और हम पूरी टीम को एक जगह रहने का ये तो बस इस हाँ एक और इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे प्रॉप शॉप भी था, प्रॉप शॉप्स वहाँ पे फ्री थे सारे, आप कोई भी प्रॉप्स ले सकते हो, जैसे अम्ब्रेला हुआ, रोज़ेस हुए, लाइट्स हुए, काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, और इसके अलावा कुछ तो बताने के लिए है नहीं। बस आप लोगों को, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत जो की नहीं है ज़्यादा, अगर इस वीडियो से आपको कोई नई जगह देखने मिली, आपको अच्छी लगी और आपके काम की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।